कोरोना की पांचवी लहर जोर पकड़ने लगी। शहर में 465 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 7.5% हो गई। ओमिक्रॉन के भी 20 नए केसेस सामने आए। मुतासिर अफराद की तादाद 306 तक जा पहुंची। 12 साल से ज्यादा उम्र के 56 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई। हुकूमत का दावा। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, शहरियों ने एहतियात ना बरती तो दोबारा से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। खुदारा मास्क लगाइए, सामाजिक फासला अपनाएं, अपनी वैक्सीनेशन यकीनी बनाएं, आवाम से अपील कर दी। लाहौर के लोगों को कहूंगी कि खुदारा मास्क पहनिए, ऐसे करके मास्क पहन के रखें और मेहरबानी करके कोशिश ये करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। वजह यह है कि लाहौर के अंदर भी शरह जो है वो बढ़ रही है, आज के दिन में 5 से ज्यादा हो गई है। ये ना हो कल फिर स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन की तरफ हमें जाना पड़े, तो मैं लाहौर के लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। महंगाई का एक और बार, चाय की पत्ती भी महंगी हो गई। मारूफ कंपनीज ने वजन कम और दाम बढ़ा दिए। चाय की पत्ती की कीमत में 210 रुपए तक का इजाफा। 475 ग्राम पत्ती का पैकेट 600 से बढ़कर 650 रुपए का हो गया। 950 ग्राम पत्ती का पैकेट 1100 से सीधा 1250 रुपए पर पहुंच गया। शहरियों ने महंगाई पर हुकूमत को खरी खरी सुना दी। धुंध की शिद्दत में कमी। लाहौर एयरपोर्ट को कई घंटे बाद खोल दिया गया। जहाज दोबारा से उड़ान भरने लगे। बैरूने मुल्क से आने वाली परवाजों की भी लैंडिंग मोटरवे पर 11 घंटे बाद दोबारा से आमदोरफ्त जारी। गाड़ियां एक बार फिर से अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा। धुंध के बाईस ट्रेनों का शेड्यूल भी दरहम बरहम हो गया। क्वेटा और कराची से लाहौर आने वाली मुतअद्दद ट्रेनें लेट हो गई। बारिश के जाते ही स्मॉग की वापसी। माहौलियाती आलूगी का शिकंजा फिर से कसने लगा। लाहौर की फजा में जहर घुलने लगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 रिकॉर्ड। कोट लखपत आलूदा तरीन करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 441 रिकॉर्ड। मॉडल टाउन 408, अनारकली 216, डिफेंस 262, टाउनशिप का AQI 242 रहा। फिजाई आलूगी के खिलाफ हुकूमत दावे, सिर्फ कागजों तक महदूद रह गए। महकमा माहौलियात को 30 करोड़ मिले, सिर्फ 4 करोड़ ही इस्तेमाल हो सके। सगियां रोड मंसूबे में पेशरफ। 7 तामीराती कंपनीज ने प्री क्वालिफाई कर लिया। जोरेज इंजीनियर्स कंपनी को मरासला जारी। सगियां रोड की तामीर और बहाली पर 3 अरब 40 करोड़ लागत आएगी। प्लास्टिक का बतौर तामीराती मटेरियल इस्तेमाल। लाहौर में प्लास्टिक से पहली सड़क की तामीर का फैसला। LDA जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेगा। पहले मरहले में कैनाल से कलमा चौक तक सड़क की तामीर और बहाली होगी। दूसरे मरहले में लाहौर ब्रिज से कहना तक सड़क की तामीर और मुरम्मत होगी। फिरोजपुर रोड की तामीर पर 9 करोड़ लागत का तखमीना है। जेलों में बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए सोलर सिस्टम की तंसीब का फैसला। पंजाब की 42 जेलों में सोलर सिस्टम के लिए काम शुरू। बिजली के बिलों की मद में सालाना 40 करोड़ बचत होगी। सिर्फ लाहौर की 2 जेलों का सालाना बिल 17 करोड़ है। महकमा तवानाई और TIP कंपनी मंसूबा मुकम्मल करेंगे। महकमा बादनियात में नई भर्तियों की मंजूरी। वजीर आला पंजाब ने ग्रेड 1 से 16 तक भर्तियों की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की अपग्रेडेशन का फैसला। ग्रेड 14 से ग्रेड 16 में तरक्की देने की सिफारिश। महकमा बल्दियात की भिजवाई समरी वजीर आला की टेबल पर। शहर का बड़ा अस्पताल इंतजामी बहरान का शिकार। सर्विसेज अस्पताल की 5 लिफ्टें खराब। सिर्फ 1 लिफ्ट से काम चलाया जाने लगा। बलाई मंजिल पर इलाज के लिए जाने वाले मरीजों और बुजुर्ग शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लवाहिकीन मरीजों को कंधों पर उठाकर सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर हो गए। सर्विसेज अस्पताल की लिफ्टें कई माह से बंद पड़ी हैं। डिप्टी कमिश्नर की मौजें। एडमिनिस्ट्रेटर लगते ही बलदियाती इदारों की फॉर्चूनर गाड़ियों पर काबिज हो गए। DCs ने अपनी पहली गाड़ियाँ नहीं छोड़ी। असाजा की तनख्वाह मजदूर से भी। लिटरेसी डिपार्टमेंट के असाजा की महाना तनख्वाह 8,000। एक साल कबल तनख्वाहों में सिर्फ 500 रुपए इजाफा हुआ। महकमा लिटरेसी के तहत 13,324 स्कूल कायम हैं। असाजा की कम अज कम तनख्वाह 18,000 रुपए मुकर्रर करने की इस्तदा। उधर ATC से असाजा की अगले ग्रेड में तरक्कियां एंटी करप्शन क्लियरेंस से मशरूत कर दी। DPI कॉलेजेस को जनवरी तक असाजा के केस जमा कराने की हिदायत। सर्दी बढ़ते ही गैस गायब हो गई। शहर के बेशर इलाकों में गैस के कम प्रेशर की शिकायत। रहमानपुरा के मकीनों का गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज।
मुस्तफा कॉलोनी के मकीन भी सड़कों पर आ गए। हुकूमत और SNGPL के खिलाफ नारेबाजी। न्यू रावीपुर पर ट्रक खराब होने से ट्रैफिक की लंबी कतारें, दूसरे शहरों को जाने वाले और लाहौर आने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर CTO ने रावीपुर का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। इजाफी वार्डन्स तैनात किए गए। रिहायशी इलाकों में भैंसों के बाड़े दोबारा बढ़ गए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जानवरों के इनखिला की बजाय जुर्माने करने पर जोर है। ये इंकशाफ भी सामने आया है कि MCL के पास जानवरों को कब्जे में लेने के बाद उन्हें रखने के लिए जगह ही नहीं है। LDA का गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। हरबंसपुरा के करीब लाहौर केनाल पर 4 गैर कानूनी इमारतें मिसमार। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग सिदरा तबस्सुम ने अमले और पुलिस के हमरा कार्रवाई की। लाहौरी मुर्दा लागर मुर्गियों का गोश्त खाने से बाल बाल बच गए। फूड अथॉरिटी की चॉलिंगटन मार्केट में कार्रवाई। 2000 किलो मुर्दे सेहत चिकन पकड़ा गया। अली अहमद पोल्ट्री सप्लायर की गाड़ी से मुर्दा और बेमान मुर्गियां बरामद हुई। चिकन को पेम्को भट्टी में तल करने के लिए भिजवा दिया गया। पर्चा दर्ज कराकर पुलिस के साथ अदम तआवुन। लेस्को डिवीजन के 6 SDPO के खिलाफ कार्रवाई के लिए लेस्को चीफ को मरासला इरसाल। SDO कहना कुर्बान अली, SDO नॉर्थ कैंट वारिस अली, SDO टाउनशिप काशिफ इमरान, SDO फैक्ट्री एरिया नुमान नसीब, SDO लोहारी गेट साकिब मंजूर और SDO शालीमार जहांजेब अशरफ के खिलाफ मरासला इरसाल किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग आशियाना रमजान शुगर मिल्स केस। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज एहतसाब अदालत पेश। शहबाज शरीफ की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज की बरियत पर समाप्त। अदालत ने वकला को 20 जनवरी को तलब कर लिया। अता तारर कहते हैं हुकूमत इंतकाम ले रही है, आज तक कोई करप्शन साबित नहीं कर सकी। वकला की जाली डिग्रीज का केस। हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, मुनासिब होगा। पंजाब बार काउंसिल ही डिग्रियों का मामला देखे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अब तक 450 से ज्यादा वकला की जाली डिग्री सामने आ चुकी हैं। गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ अली जफर की जानिब से हतक इज्जत का दावा। मीशा शफी सेशन अदालत पेश हुई। एडिशनल सेशन जज खान महमूद की रुख्सत के बाद समाअत बगैर कार्यवाही मुलतवी हो गई। आइंदा समाअत पर अली जफर के वकला और मीशा शफी जिरह के लिए तलब। दौराने मुरम्मत गाड़ी के नए पुर्जे ना डालने पर हर जाने की डिग्री जारी। सारिफ अदालत से इमरान ऑटोमोबाइल क्रीम ब्लॉक मार्केट के खिलाफ 2 लाख की डिग्री जारी। हर जाना फौरी दरख्वास्त गुजार को अदा करने का हुक्म। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का मुश्तरका इजलास। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में जल्द बल्दियाती इलेक्शन करवाने पर जोर। पंजाब हुकूमत से इंतखाबात की तारीख मांग ली। वजीर आजम और वजीर आला ने हठधर्मी का मुजाहिरा किया। सानिया मरी के जिम्मेदार इमरान खान और उस्मान गुजार हैं, फौरी इस्तीफा दें। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। सुमेरा कोमल का करारदाद में कहना है कि मरी में इंतजामी गफलत की वजह से 22 कीमती जाने जाया हों। एक इंसानियत का मामला है। 4000 गाड़ी से ज्यादा मरी में गुंजाइश नहीं है। जब शाम को 36000 गाड़ियां हुई और चंद घंटों में 1 लाख गाड़ी हो गई, तो ये हुक्मरान कंबल ओढ़ के सोए रहे। जब मीडिया ने पोल खोल दिए तो फिर इनके वफाकी वज़रा भी वहाँ पर चले गए मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए। ये वही इमरान न्याजी है जब कराची में जहाज क्रैश हुआ था, ये उस वक्त नथिया गली में सैर सपाटे कर रहा था। पाकिस्तानी कौम महंगाई की तकी में पिस रही है। रियासत मदीना का दावेदार इमरान न्याजी बनीगाला के महल में बैठकर चैन की नींद सोता है। आज इलेक्शन कमीशन की फॉरेन फंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसने तुम्हें सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर दिया इमरान न्याजी, अब तुम्हें छुपने का मौका नहीं मिलेगा। सानेह मरी में अम्बाज ज्यादा हुई, कौम से छुपाया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम झूठे हुक्मरानों का मुहासबा करेगी। नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की सानेह मरी में जाँ भाग होने वालों के घर आमद के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले ना अहल हुक्मरानों से मशीनरी चली ना खुद जाग सके। सानेह मरी पर इमरान न्याजी को जवाब देना पड़ेगा। तमाम जमातों से राबते में है, मुल्क पहले है, सियासी इत्तेहाद बाद में।
मनी में लोग सड़कों पर मर रहे थे और वजीर आला 36 घंटे बाद पहुंचे। कातिल हुक्मरानों पर FIR दर्ज की जाए। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी वसी पंजाब सैयद हसन मुर्तजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले किसानों को तनहा नहीं छोड़ सकते। 21 जनवरी को मुलगीर ट्रैक्टर ट्रॉली एहतजाज शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन पंजाब का समीना घोरकी की जेर सदारत इजलास, पार्टी को पंजाब में मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मियां जहीर अहमद, दानिश अहमद, कैसर अब्बास, कैसर अकबर, जवेरिया सत्तार और शुमाइला याकूब का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। कमिश्नर लाहौर की जेर सदारत आला सतही इजलास, अमान अनवर कुदवाई, स्टार सईद अली बुखारी और PHA अफसरान की शिरकत। मेन मार्केट गोल चक्कर में MP थिएटर और शजरकारी के डिजाइन का जायजा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जेर सदारत असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ऑफिस में इजलास, जिशान नदीम, मुनीर चोपड़ा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में ग्रीन टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, जेल रोड और मुलिका इलाकों में सफाई के इंतजाम का जायजा। उमर शेर चट्ठा की गंदगी के ढेरों को हटाने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का फुल कोर्ट इजलास, चीफ जस्टिस मोहम्मद अबी भट्टी ने सदारत की। इजलास में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकर नजवी समेत दीगर जजेस ने शिरकत की। इजलास में जुडिशियल और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जमात इस्लामी लाहौर के वफद की नेशनल हाईवे के दफ्तर आमद, अमीर जमात इस्लामी लाहौर जिक्रुल्ला मुजाहिद और नायब अमीर चौधरी महमूद की मोटरवे हुकाम से मुलाकात। चूंग स्टॉप का कट शहर से बाहर देने से दरपेश मसाइल से आगाह किया। मोटरवे हुकाम की जानिब से मसाइल हल करने की यकीन दहानी। जुडिशियल कॉलोनी में जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल सत्तार असगर की नमाज जनाजा अदा। मोहतमिम जामिया अशरफिया मौलाना फजलुर रहीम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शाहिद वही, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस अली बाकर नजफी ने शिरकत की। चीफ जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद अनवारुल हक, मंजूर अहमद मलिक, सरदार मोहम्मद शमीम खान, नजमुल हसन शेख ने शिरकत की। नमाज जनाजा में जस्टिस रिटायर्ड खालिद महमूद, जस्टिस रिटायर्ड असद मुनीर, एजाज अहमद गुराया, सैयद खुर्शीद रिजवी, शेख इशफाक अहमद, अश्तर अब्बास समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। लाहौर प्रेस क्लब के इंतखाबात, आजम चौधरी सदर मुंतखब, अब्दुल मजीद साजिद सेक्रेटरी बन गए। सीनियर नायब सदर की नशिस्त पर सलमान कुरैशी कामयाब। नासिर अतीक नायब सदर, सालिक नवाज ज्वाइंट सेक्रेटरी और शेराज हसनात खजांची मुंतखब। गवर्निंग बॉडी के नतायज का ऐलान बाकी। हजरत बीबी पाक दामन सलामुल्ला अलैहा के उर्स की 3 रोजा तकरीबात शुरू। मिजार शरीफ पर गुस्ल और चादर पोशी की तकरीब, फूल चढ़ाए गए। उसकी तकरीबात महदूद कर दी गई। तामीराती काम से जायरीन का दरबार में दाखिला बंद रहेगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की ओहदे पर तरक्की के लिए तबीयती कोर्स का आगाज। पंजाब जुडिशियल अकेडमी में 21 सीनियर सिविल जजेस तबीयती कोर्स में शामिल। इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर पंजाब जुडिशियल अकेडमी अश्तर अब्बास, डायरेक्टर अकेडमी तारिक इफ्तिखार, बुशरा जमान और दीगर ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस कला गुजर सिंह में अहलकारों की जनरल परेड। डॉल्फिन फोर्स, एंटी रॉयड फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, मुजाहिद स्क्वाड ने परेड में हिस्सा लिया। परेड में लेडीज पुलिस, CIA इन्वेस्टिगेशन विंग और थाना जाग के अहलकारों ने शिरकत की। जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद वुकला की किताब दोस्ती, लाहौर हाईकोर्ट बाद में किताब मेला सज गया। कानून, मजहब, सियासत, नफ्सियात, मजाक, तालीम और तजहीब की मुख्तलिफ किताबें नुमाइश के लिए पेश की गयी। किताब मेला 13 जनवरी तक जारी रहेगा। जामिया बैतुल कुरान गुलबर्ग लाहौर में अफवाज पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार। सैयद महमूद गजनवी, मौलाना मोहम्मद आसिफ मखदूम, शाहिद कादिर, कोमल सलीम, कामरान परवेज चौधरी समेत दीगर शरीक। सदर हॉल रोड फिल्म ग्रुप बाबर महमूद की सालगिरह, ताजरों और दोस्त अहबाब के हमराह केक काटा। खुशियों की महफिल में मोहम्मद आजम, मौजम अली, मियां मोहम्मद अली, अर्जमन मकसूद, मियां उस्मान और आमिर सुहेल समेत दीगर ताजरों ने शिरकत की। स्टार फास्ट बॉलर वहाब रियाज चने वाले चाचा बन गए। वहाब रियाज के चने भूनते हुए खुशगवार मूड की वीडियो सामने आ गई।
और शहर का मौसम अबर आलूद और सद रहा। धुंध ज्यादा मौसम में भी लाहौरियों ने पार्क्स में फुर्सत के लम्हात गुजारे। स्कूलों में छुट्टी के बाद कई फैमिलीज ने पार्क्स का रुख किया। बच्चों ने खेल कूद कर दिन गुजारा।